नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल तंत्र गुरु स्वामी जी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा वशीकरण कि जिसे करते ही आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मगर दोस्तों, इसमें दीपक कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना, आज ये बताया जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है ये जानने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, हर वशीकरण करने के लिए, जैसे हम दीपक का वशीकरण बता रहे हैं, दीपक में भी मिट्टी के कई प्रकार के दीपक आते हैं, मगर आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना, ये बताएंगे। आज आपका समय नष्ट न करते हुए बताते हैं आज का उपाय। तो सबसे पहले आपको सोमवार के दिन लेना है एक मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक मार्केट में कई प्रकार के आते हैं, मगर आपको ऐसा लेना है जैसा हम वीडियो में दिखा रहे हैं। मिट्टी का दीपक लेने के बाद आपको लेना है एक कोरा कागज। कोरा कागज लेने के बाद आपको जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है। ऊपर की संख्या ऊपर, उसके नीचे दूसरी संख्या, उसके बाद आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम और उसके नीचे अपना नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि लिखना तो ये है, मगर किससे लिखना है, पेन से लिखना है या सिंदूर से लिखना है या कुमकुम से लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि यह आपको केसर में, केसर आसानी से मार्केट में मिलता है, केसर में केवड़ा मिलाकर स्याही बनानी है और उसके बाद उससे लिखना है आपको। इतना करने के बाद आप उस कोरे कागज की बत्ती बनाकर रुई से लपेट दें। रुई से लपेटने के बाद आप दीपक में सरसों का तेल डालकर उस बत्ती को लगाकर उसे जला दें। ऐसा आपको सोमवार से लेकर लगातार 7 दिन तक करना है, तभी इस उपाय का असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। याद रहे कि यह सब आपको रात्रि में 12 बजे के बाद स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना है। बस दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आपकी कोई निजी समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, हम उसका उपाय जल्दी से जल्दी बताएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।